हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल प्रेम बोलूँ आपका सभी का स्वागत है। मैं प्रेम मेहरा। आज नए दिन की नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ कर रहे अपन। अपना जो टॉपिक है वही वो अपना इसका आज सेकंड क्लास है, व्रत की पड़वी एवं उसका क्षेत्रफल। तो अपना रेगुलरिटी के साथ अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फायदा होगा। और जितने भी आपके रिलेटेड बोले दोस्त है या आपके रिलेटिव मतलब कि आपने चाचा ताऊ बुआ भाई के जितने भी बच्चे जो टेंथ क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भाई ये वीडियो प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट होगा भाई, क्योंकि वो चाहते कि अब अच्छी से अच्छी वीडियो पढ़े, अच्छी से अच्छा पढ़े, क्योंकि सब चाहते हुए अच्छा पढ़े और अच्छा सीखे। तो हमारे इस बोर्ड के माध्यम से, और आज एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, आज हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर। इसी के साथ साथ एक और व्यक्ति है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री, उसका भी आज ही जन्मदिन है। तो सभी को स्टूडेंटों को आज शुभकामनाएं। तो हम जो बात करें उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें भाई व्रत की पड़वी एवं क्षेत्रफल। तो मैंने कल बताया कि व्रत की जो पड़वी होती है इसका सूत्र क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक बार मैं उसको रिपीट कर दूं। व्रत की पड़वी होती है 2πr और जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ये दो चीज अपन को अच्छी तरह से याद आनी चाहिए। ऊपर क्या होगा व्रत की पड़वी, नीचे व्रत का क्षेत्रफल। और अपन को पूछ देते अर्धव्रत का क्षेत्रफल, तो भाई अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2πr², ये क्या होता है अर्धव्रत का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दो चीजों को, और आपने पहली बार क्लास में आए हुए तो आप फर्स्ट क्लास को पढ़िए, आप इनका विस्तार अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो मैं जो बात कर रहा हूं भाई, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि व्रत की पड़वी भाई कितनी है भाई, 132 सेंटीमीटर। कितनी भाई, 132 सेंटीमीटर है। तो अपन को क्या भाई वृत्त की त्रिज्या एवं क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, अपन को वृत्त की क्षेत्रफल की वृत्त की पड़वी दे रखे अपन को 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त की त्रिज्या निकालना और क्षेत्रफल निकालना। तो मैंने क्या बताया, वृत्त की पड़वी दे रखी तो अपन को क्या भाई, वृत्त की पड़वी का सूत्र क्या मैंने ऊपर बताया भाई, 2πr। तो देखो भाई, तो वृत्त की पड़वी का सूत्र हो गया भाई अपने पास में, वृत्त की पड़वी जो वृत्त की पड़वी कितनी हुई, कितनी दे रखी, 132 दे रखी, ठीक है भाई। वृत्त की पड़वी का सूत्र क्या होता है, 2πr। अपन ने यहाँ पे लिखा 2πr बराबर कितना दे रखा है, 132 बराबर, ठीक भाई। इस प्रकार से अपन ने लिखा। अब लिखने के बाद भाई मैंने बताया कि पाई का मान क्या होता है, इधर देखो, पाई का मान डिग्री में पूछे तो 180 होता है, अदरवाइज वैसे पूछे तो गणितीय रूप में तो पाई बराबर होता है 22/7, या फिर हम इसे कह सकते 3.14 भी कह सकते, ठीक है दोस्तों। अब हम पाई की जगह पर 3.14 लिख दो या फिर 22/7 लिख दो, जितने अपने को सुविधा है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। देखो दोस्तों, तो मैंने लिखा 2 × पाई का मान मैंने 22/7 लिखा, और अपन को त्रिज्या चाहिए और ये 132 आ गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इससे इसको गुणा करता हूं, अपन को चाहिए आर बराबर, तो 132 × 7 बटे 2 × 22। तो देखो भाई, अपन ने ये किया, इसका अपन ने भाई भाग दिया इसमें तो कितनी बार गया भाई, 6 बार गया, और 6 का इसमें अपन ने 2 को भाग दिया, 3 बार गया। तो आर बराबर क्या आ गया भाई, 7 × 3 = 21 आ गया।
तो अपने पास में जो तिरजे निकल के आई वो कितनी है भाई, 21 सेमी। ठीक, अपन को अब क्या भाई क्या चाहिए, अपन को क्षेत्रफल चाहिए। तो मैंने क्षेत्रफल का आपको सूत्र बता रखा भाई कि पाई आर एक्स आर होता है, अपन एरिया बराबर लिखेंगे भाई, एरिया बराबर होता है पाई आर एक्स आर। तो दोस्तों अपन को पाई का मान होता है भाई 22/7 कह सकते हैं, तो अपन ने 22/7 लिखा, 21 तो अपन ने 21 लिखा और इसके एक्सर लिखा। तो इसको कैसे लिखना अपने भाई, 22/7 × 21 × 21 लिखा इस प्रकार से लिखा। अब अपन को इसको इससे काटा तो कितना हो गया भाई, 3 बार गया। ठीक है, अब 21 × 3 किया तो कितना आ गया, 63 आ गया और ये 22। ठीक, अब अपन ने इसको गुणा करते हुए 63 × 2 = 126 होता है, तो अपन ने लिखा 126 × 126 तो कितना आया भाई, 6 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 100। तो मतलब क्षेत्रफल कितना है आपके पास में वो भाई 1386 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर अपना क्या है, क्षेत्रफल आया। इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना था दोस्तों। अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं या फिर इस क्वेश्चन की बार और रिपीट करवा देता भाई। देखो अपन को भाई क्या है कि ये दो सूत्र अपन को वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। कब कभी बाई चांस आ जाता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद करी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्र होता है 1/2 πr² होता है। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि ये आपके लिए है। जब आप हमें एनर्जी के साथ में, तो देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन होगा। कि एक वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या भाई, एक वृत्ताकार प्लाट एक 154 सेमी है भाई। ठीक है भाई, उसके बाद बात कर रहा है वर्ग सेमी है तो इसकी परिधि आती है, सेमी है तो इसकी क्या भाई अपन को परिधि याद करनी है। परिधि याद करनी है तो परिधि कैसे याद करेंगे भाई अपन, देखो। तो दोस्तों मैंने बताया भाई जो पृथ्वी परिधि होती है उसका सूत्र क्या बताया मैंने, 2πr। तो अपन क्या लगाते हैं इसमें, 2πr लगाया अपन भाई। ठीक, तो सबसे पहले अपन को त्रिज्या याद होनी चाहिए, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो ये अपन को क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैंने सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स आर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर। तो अपने भाई यहां पे लिखा 154 सेंटीमीटर बराबर पाई आर एक्स आर। ठीक भाई, तो मैं क्या करूंगा भाई, 154 है बराबर 22/7 आर एक्सर हो जाता है। ठीक है, अब मैं चाहूं इसको गुणा कर दो तो अपन को आर एक्सर चाहिए, तो आर एक्सर बराबर आ जाए भाई 154 × 7/22। अब मैं 11 का भाग इसमें दूं तो भाई 2 बार जाएगा, और 11 का भाग इसमें दूं तो 1 बार, फिर 4 बार आएगा इसमें दूं तो ये 7 बार। तो आर बराबर आर एक्सर बराबर आ गया अपने पास में 49। अब मुझे चाहिए भाई कितना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 49 का एक्सर हो जाएगा। तो आर बराबर जब 49 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। तो अपने पास में त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब त्रिज्या 7 आ जाती है तो अपन को क्या पूछा भाई, परिधि।
तो जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, तो r की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने ये r को निकाला। फिर r को निकाला तो अपन यहाँ पे लिख देंगे भाई वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई 2πr होता है। अपन ने दो गुणा लिखा, पाई का मान 22 बटे 7 लिखा गुणा आर का मान क्या है अपने पास 7 है, 7 ये 7 से 7 गया तो कितना आ गया परिधि इसकी पूरी 144 सेंटीमीटर की परिधि आ जाती है। इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं भाई, अपन को दोस्तों क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैंने बोला कि जो बात बोल रहा है उसी का सूत्र पुट अप करना है अपन को, तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, आज का क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन है, पाई बराबर 22 बटे 7 हो गया ठीक है। तो 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितनी दूरी तय करता भाई 88 मीटर दूरी तय करता। तो पहिए की त्रिज्या याद करिए, तो पहिए की त्रिज्या याद कर लो, तो देखो भाई पहिए की त्रिज्या याद करिए, जब पहिया होता है वो कैसा होता भाई, सर्कल के आकार का होता भाई, पहिया ऐसा ही तो होता भाई, जो रिंग होती है रिंग, पहिया रिंग की टाइप का ही तो होता है। तो इसका एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी करता है बोलते हैं, पूरा चक्कर तय करने में कितना है भाई वो 88 मीटर की दूरी तक, कितने करता भाई 88 मीटर ठीक। तो भाई ये तो परिधि होगी पूरी वृत्त की, तो परिधि भाई एक एक चक्कर में जो परिधि हुई थी एक चक्कर में कितनी हुई वो भाई 2πr हो गई ठीक है। तो भाई कितने चक्कर लगा रहा वो 100 चक्कर लगा रहा, मतलब 100 चक्कर लगा रहा, तो 100 चक्कर में भाई एक चक्कर में 2πr हो रहा है, तो अपन 100 चक्कर में भाई 100 चक्कर में कितना हो जाएगा भाई, इसको अपन 100 से गुना कर देते हैं ठीक भाई, 100 गुना 2πr तो ये कितनी दूरी तय कर रहा 88 मीटर, तो 88 मीटर की दूरी तय कर रहा ठीक है। यही तो बात बोली, अब मैं बोलूं भाई कि अपन को मान पुट अप करना और अपन को चाहिए क्या आर त्रिज्या चाहिए भाई, तो मैंने लिखा 100 गुणा तो 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 88 भाई ठीक भाई, ये अपन ने लिख दिया भाई। अब क्या भाई अपन को आर की वैल्यू चाहिए तो अपन नीचे आएंगे, तो क्या हो जाएगा आर बराबर वही हो जाएगा, देखो भाई 7 अपन ऊपर चल जाएगा ये गुणा में गुणा 88 बटे 100 गुणा 2 गुणा 22 मतलब 22 ठीक भाई। इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा, 22 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया भाई 4 बार गया, इस 2 का भाग इसमें दिया तो 2 बार गया भाई, तो क्या आया भाई निकल के 7 × 2 = 14 बटे 100 आ गया। तो अब क्या करेंगे भाई इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.14 सेमी,
इस प्रकार से अपना आंसर आएगा दोस्तों कि एक स्कूटर का पहिया होता है, वो पहिया क्या वृत्ताकार होता है भाई, पहिया गोलित होता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी करे भाई 2πr, एक चक्र में 2πr करा तो 100 चक्रों में क्या करेगा 100 गुणा 2πr, और कितनी दूरी कर रहा 88 मतलब 88 मीटर की दूरी से कर रहा। तो फिर अपन ने भाई r निकालना, अपन r तो चीज तो अपन ने r निकाला। अब मैं चाहूं कि इसमें भाई क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल भी अपन निकाल सकते भाई दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको निकाला अपने। तो बस अपन को दोस्तों ये वैल्यू है ना, ये वाले अपन को अच्छी तरह आनी चाहिए, ये अच्छी तरह आ गई तो अपन समझो क्वेश्चन को अच्छी और आसान और सरल तरीका से अपन कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं वाला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा एग्जाम के स्तर से हाई होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो आप अच्छी तरीका से पढ़े, क्वेश्चन बहुत अच्छा और मतलब कि सोचो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा कि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। आज का चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है भाई, बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या भाई 484 वर्ग मीटर होता है। ओ तो वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद की, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो अपन क्या भाई दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल याद करें, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का, वृत्त की परिधि वे एक वर्ग, वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप क्या है दोस्तों बराबर है। तो मैं यहां पे लिखता हूं भाई वृत्त की परिधि बराबर क्या होता भाई वर्ग का परिमाप, ठीक ये मैंने लिखा, तो अपन को वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा भाई, चार सौ चौरासी वर्ग है। तो अब मैं बोलूं भाई कि ये वर्ग दे रखा अपन कितना 484, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अपन ने भुजा स्क्वायर बराबर किया 484, तो अपन को चाहिए भुजा, तो वही भुजा चाहिए अपन को, तो अपन ने भुजा किया और इधर यहाँ पे रूट लग जाएगा भाई कितने का, इसके ऊपर रूट लग गया भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। देखिए भाई वृत्त होता ऐसा और वर्ग होता भाई ऐसा, ठीक ये हो गया वर्ग और वृत्त और ये हो गया वर्ग, तो भाई अपन जो भुजा निकाले तो 422 का वर्ग क्या वर्गमूल, वो 484 का वर्गमूल क्या तो 22 होता है, तो भुजा बराबर आ गया भाई अपने पास में 22, ठीक। अब जो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, अपने पास में कोई 20-22 मीटर का क्या है भाई अपने पास में कोई तार 22 मीटर का, ठीक है, इस तार को अपन गोल भी कर सकते हो, चार फुट का भी बना सकते हैं,
तार तो इतना ही रहेगा 22 मीटर का ही। भाई चा अपने पास तार है 22 मीटर का है, ठीक है। तो ये 22 मीटर का तार है, इसको अपन ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे ऐसे कैसे बनाए, भाई तार की लंबाई तो कितनी रहेगी 22 की, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद अपन करते हुए देखो ये आ गया। अब जो वर्ग का परिमाण क्या होता है, तो भाई देखो वर्ग का वर्ग का जो परिमाप होता है वो वही होता है 4 गुणा भुजा है, 4 गुणा कितना होता है भुजा होता है, ठीक। और पर्दी क्या होती है 2πr होती है, वृत्त की पर्दी मैं यहां लिख देता हूं भाई। तो वृत्त की पर्दी बराबर 4l, l मतलब बोले तो भुजा, ठीक है। ये लिखा अपन ने, अब अपन इसको लिखने के बाद भाई मैंने बोला अपन को चाहिए क्या, वृत्त की क्षेत्रफल तो त्रिज्या चाहिए भाई, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 4 गुणा कितना आ रहा है भाई 22, ठीक है भाई। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए बीच में डट, तो देखो भाई अपन ने अब क्या किया इसको, क्या भाई इससे अपन 22 को अपन 22 से काट सकते, इसको अपन इससे काट सकते 2 बार, तो r बराबर क्या आ गया भाई अपने पास में 7 × 2 = 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास में भाई 14 आ गई थी। अपन को चाहिए भाई क्षेत्रफल, और मैंने बताया भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो अपन को चाहिए एरिया, एरिया क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ये वाला। तो 22/7 लिखा, एरिया कितना भाई जो त्रिज्या अपनी 14 है, तो भाई 14 × ये 2 बार गया, और फिर 2 बार जाने के बाद भाई अपने इसको काट दिया 28 हो गया, 28 × 2 किया तो भाई कितना हो गया 56 × 56, 6 हो गया, 11 हो गया 6, तो मतलब कितना आ गया भाई गुणा करने पर 616 cm² का, ये अपना दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो देखो भाई ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, तो अब जो बात करेंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं भाई। देखो कि एक वृत्त की पर्दी और एक वर्ग का परिमाप क्या भाई बराबर है, परिमाप और पर्दी बराबर ही होते हैं, दोनों एक ही बात होते हैं लेकिन नाम अलग है, काम दोनों का एक ही है भाई, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना देगा अपन को 484 वर्ग सेंटीमीटर अपन दे रखा है, तो वृत्त की अपन को क्या पूछा त्रिज्या पूछा दोस्तों, ठीक। तो अपन वृत्त की पर्दी बराबर वर्ग का परिमाप लिखा, जो वर्ग का परिमाप वो कितना होता है मैंने आपको बताया, परिमाप हो जाए भुजा युक्षा होता क्षेत्रफल, तो परिमाप होता 4 भुजा गुणा, ठीक है भाई। उसके बाद अपन बैल फुट अपनी तो भुजा निकाली 4 आ गई, और भुजा 4 आने के बाद वर्ग का जो परिमाप हमको 4 गुणा भुजा दे रखा है, फिर यहाँ पे अपने त्रिज्या और वर्ग का परिमाप दे रखा, तो ये अपन ने समान किया, और आगे करने के बाद अपनी त्रिज्या आ गई अपनी 14 आने के बाद अपने क्षेत्रफल में लिखा 22 × 7 = 16 अपना आंसर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद इसको मिटाते, अगला क्वेश्चन की अपन बात करते दोस्तों, और आज की जो वीडियो बता रहे हैं हम, आज की जो हम पढ़ाया आपको वो बहुत अच्छा पढ़ाया, तो भाई हमारे वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है अगला कि 14 सेमी व्यास वाले, पांचवा क्वेश्चन आज का, 14 सेमी व्यास वाले वृत्त की पर्दी एवं
क्षेत्रफल याद करे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे अपन को भाई, जो डायमीटर होता है व्यास, जो क्या होता है दोगुना होता है त्रिज्या का, तो भाई अपन के 2r बराबर कितना दे रहे अपन को 14, तो r बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में भाई 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, क्या होता है दोस्तों, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अपने वृत्त की पढ़ दी, और सूत्र क्या भाई पढ़ दी, परिधि बराबर होता भाई 2πr, तो गुणा पाई का मान 22/7, r का मान अपने पास 14 आ चुका है। ठीक है भाई, ये किया, इसको अपन ने काटा भाई कितने 14 से, तो अब ये सुख किया गुणा 44 गुणा क्या करेंगे 2, कितना आ जाएगा भाई 88। ठीक है भाई, ये आ गया। अब अपन को क्या भाई, इसकी क्या चाहिए अपन को, एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया, एरिया क्या होता भाई, तो देखो भाई ये अपना क्षेत्रफल लिखा, और क्षेत्रफल लिखने के बाद भाई इसका क्या पाई का मान पर 22/7 करा, 7 × 7, ठीक, ओ सॉरी भाई यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 था, ये गया तो कितनी आ गई भाई यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वो गलती होगी, 14 आ गया था, तो भाई अपने 7 से को 7 काटा तो ये हो गया भाई 154 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्या भाई इसका क्षेत्रफल आ गया 100। ठीक, ये इस प्रकार से अपन को करना होता है। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ भाई, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखने लायक। अच्छा भाई देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वृत्त की परिधि कितनी दे रखी, एक वृत्त की परिधि भाई कितनी दे रखी अपन को 14π। तो इसकी त्रिज्या याद करें, इसकी त्रिज्या याद करें, तो ये त्रिज्या अपन को पता है पाई दे रखा वृत्त की परिधि 14π दे रखा है, तो अपन को वृत्त की परिधि लगानी हुई, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होते बराबर अपन को वही 14π दे रखा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पाई को पाई से काट देंगे अपन, ये पाई से ये पाई गया, तो क्या बचा भाई 2r बराबर 14 बचा, तो अपन 2 से ये गया, तो r बराबर क्या आ गया भाई ये 7 आ गया। अब अपन से पूछे था इसी में कि क्षेत्रफल की बात करें, तो भाई क्षेत्रफल अपन को एरिया निकालना भाई, तो देखो भाई एरिया क्या प्रकार से निकलता, एरिया अपन को पता है पाई आर के साथ होता है, जो अभी अभी निकाला था, तो ये 22/7 × 7 × 7, इससे ये गया, तो क्या भाई 7 × 154 सेंटीमीटर वर्ग अपना आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों 154 अपना आंसर आ गया, इस प्रकार से अपन को निकालना, ये अपना आंसर हो गया भाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो, और हमने आपको पढ़ाया वो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए, ये जो आपके छोटे बड़े भाई बहन जो कक्षा 10 में पढ़ते उनके उनके द्वारा हमारे ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि भाई ये हम आपके लिए कर रहे हैं, जब आप इतना हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे वही रिपीट है बात कि अपन को भाई इस प्रश्नावली में ये 3 चीज काम में आएगी, 1, 2, 3, 4, ये 4 चीज अपने काम में आएगी, सॉरी 3 चीजें, 1, 2, 3, 4, 4 चीजें,
चारों चीज बहुत अच्छी तरीके से काम आएगी। तो आपसे की उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं एक नई शुरुआत नई वीडियो के साथ, तो आप सभी अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।